चलने वाला मोहम्मद और मैं बड़ी स्पीड से जा रहा हूँ। इसके लिए एक मंजर देखा है मैंने अजीब, वो आपको दिखाना चाहता हूँ। आपको पता है सर, मशहद से 72 दिन पहले लोग पैदल निकले करबला मौला हुसैन की ज्यारत के लिए। उनमें से एक शख्स जो मुझे नज़र आया है, जिसके पीछे लिखा हुआ है कारवान प्यादे मशहद में करबला, मशहद से करबला पैदल। ओए अल्लाह, मेरे मौला उनकी ज्यारत करें। मैं सलाम भी देता हूँ आप सबके लिए। कुछ लिखा हुआ है इनके लिए, सलाम हाजी आका, खूब हस्त इंशाल्लाह। अच्छा शुमो कुजा अहमदी मशहद तक करबला प्यादे, हाँ माशाल्लाह कबूल बाशी। सलाम सलाम लगे क्या हुसैन ग्राम अल्तमास इंशाल्लाह। ये देखिए मशहद से पैदल मीलों दूर, फासला तो चेक करें आप, फासला तो चेक करें मशहद से कितना ज़्यादा खुरासान का फासला है करबला तक। आप कहते थे ना वो लोग कौन हैं जो मशहद से आते हैं, आज उनकी ज़ियारत भी हो गई। अल्लाह अकबर, मेरा तो दिल करता है कि मैं इसके पीछे चलूं करबला तक और वीडियो बनाता रहूं और दुआएं दूं से। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। लबैक या हुसैन, या हुसैन, कोई अल्फाज नहीं कुछ कहा जाए, जुबान खामोश। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम। एक और ज़ायरीन जो मशहर से पैदल आए हुए हैं, जो इमाम रज़ा के शहर से मौला रज़ा के रोज़े से करबला 72 दिन चल चल के थक थक के आखिर करबला पहुंच ही गए। इनके ख़ास लिबास होते हैं और बहुत बड़ा रुतबा होता है इनके लिए। वीज़ा होती है नहीं होता मुझे नहीं पता, मगर ये आ जाते हैं हर साल मशहद मौला रज़ा से लेकर पैदल चलते हैं। बड़ी बात है, ये देखिए इनसे बात करता हूँ। सलाम चितौरे को भी, अच्छा मशहद तो पैदल आमदी, मशहद तो पैदल आमदी, मशहद माशाल्लाह। चंद बार बारह बार चंद रोज से से रोज 73 दिन उसको हो गए। और ये हमें दूसरा ने मैन काबिल शुमा के प्यादे इब्तदा कर दी, मैन दर फेसबुक दादम के इन प्यादे शोक दोस्ता ने मैन को वक्ति के इन मीर हसन कर बना आज भी की अलान मैन उन अमी गैंग। ये हैं वो जो पैदल आए हैं मशहद से करबला, और इस तमाम से दुआ है बिरा हमें बिना से माफी नहीं शुमारा अनु शुक्र। तो मैंने इसको बोला कि जब तुमने शुरू की थी तो मशी, उस वक़्त मैंने पोस्ट लगाई थी और बताया था दुनिया को कि ये वो लोग हैं जो मशहद से 72 से अभी के 73 दिन हो गए पैदल आए, और पहली मरतबा में आया हूँ। बहुत बड़ा रुतबा है जो खुरासान से लेकर करबला तक पैदल आते हैं। मैं उससे पूछा हूँ कितनी बार हुए हैं, कहा एक बार। मैंने कहा जब तुम शुरू हुए थे मैंने पोस्ट लगाई, उन लोगों ने कहा इनकी जब करबला में पहुँचे थे इनकी तस्वीर या वीडियो, तो मैंने खुश नसीबी इनकी वीडियो बना रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। क्या ही बात है, क्या ही बात। अच्छा फिर क्या होता है जब ये पहुँच जाते हैं ना, फिर करबला से भी लोग पैदल जाते हैं मशहद की तरफ। अब उस काफिले को आपको दिखाऊँगा जो करबला से उनको लोग प्यार कर रहे हैं। रास्ते में जब अपने मिलते हैं इनको प्यार कहते हैं। किस बयाबान, किस सख्ती,
किस हिसाब से आते हैं, जाते हैं, करते हैं, क्या मंजर होता है, कैसा? ये तो मुझे लग रहा है काफ़ी मर्तबा आया गया है। और बच्चे बच्चे भी वहाँ पे, ये भी नौजवान था मेरे ख्याल 14 साल उनकी एज होगी, जिससे मैंने पूछा। फारसी मुझे बहुत ज़्यादा आती थी पहले जब ईरान में था, अब रब्ता इतना नहीं है तो बस बोल लेते हैं, सामने वाले को समझ भी लेती है, हम पूरी समझ लेते हैं। इनके चेहरे भी देखने ज़्यारत करें। ये मोमिन है, मैं इनके साथ हूँ, बड़ी बात है मेरे लिए तो, बहुत सादत है, मेरा दिल ही नहीं कर रहा मैं पीछे हटूँ। यही वो मोमिन है जो मशा से पैदल आते, कोई आम बात तो नहीं है, जिगर चाहिए। लोग 100 किलोमीटर पे डर जाते हैं, हजारों मील, खुरासान कहाँ, करबला कहाँ। इमाम रजा को गरीबुल गुरबा कहा जाता है, यानी अपने वतन में मौला इतना दूर, उतने दूर से मशहद वाले करबला आते हैं। हाय हुसैन, हाय मौला रजा, मैं सदके जाऊं इन ज़ायरीन के पांव पर। بله مشهد از امام رضا کربلا هفتاد و سه روز دو روز ماشاءالله یه اون کاروان میں سے بتا رہا ہے کہ جو 72 دن میں کربلا پہنچتے ہیں اور آج 72 دن ان کا ہو گیا اور یہ बशर से करबला पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह 200-300 बॉल रह गए, 300 बॉल फिर करबला मौला हुसैन का रोज़ा सामने होगा। हाँ नजर हम लोग कबे क्या हुसैन उसे प्यार करते जा रहे हैं, लोग प्यार कर रहे हैं इनको। क्या सख्ती होती है, क्या गर्मी होती है, क्या परेशानी होती है, इतना बड़ा सफ़र, इतना बड़ा सफ़र, अल्लाहु अकबर। इतना बड़ा सफ़र करके आए, इनके लिए तो फूलों फूल बिछाए जाए इनके पाँव में। अच्छा कई बच्चे शहीद हो गए हैं मौला रजा के, अच्छा इनमें से जो भी कोई बीमार होता है या क्या, उसको हुकूमत फौरन आ जाती है, शहीद हो जाता है कोई भी। तो मैं उधर जब मैं ईरान में था तो उस वक्त एक बच्चा शहीद हुआ था हमारे पड़ोस का, तो उसको जिस तरह उसका जनाजा था और जो मंजर था मैं बता नहीं सकता, कितनी इज्जत दी गई वहाँ के मोमिनीन ने उनको, और माँ बाप का नाम इतना रोशन किया उस बच्चे ने कि अगर वो दुनिया का कोई भी काम करता, साइंसदान बन जाता, इतनी इज्जत नहीं होती जितना वो पैदल करबला जब आ रहा था। ये अब से नहीं है, काफ़ी अरसे से मैं सुनता आ रहा हूँ 2000 से लेकर, तो बड़ी सआदत है। मौला ने चाहा तो मैं भी एक मरतबा मशहद से करबला मशी करूँगा इंशाल्लाह, मौला हुसैन ने चाहा। आपका दिल क्या कर रहा है, क्या चाह रहा है, क्या कह रहा है, कोई अच्छा सा कमेंट करेंगे, इनके लिए दुआ करेंगे। आपकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या समझ रहे हैं आप इस चीज़ को,